नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। ईडी की कार्यवाही से भड़की कांग्रेस, सीएम ने केंद्र पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्यवाहियों के आगे नहीं झुकेगी। जनगणना कराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा पुराने आंकड़े नहीं रहे प्रभावी, नया सर्वेक्षण शीघ्र शुरू किया जाए। और कांग्रेस महाधिवेशन के बाद जनसभा में जुटेंगे 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ली बैठक, जिलाध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी की छापेमारी से नाराज कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ईडी के छापे को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्यवाहियों के आगे झुकेगी नहीं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन छापों की एक क्रोनोलॉजी है, जब जब कांग्रेस पार्टी कोई कदम उठाती है यहाँ छापे पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने इस छापे को कांग्रेस महाधिवेशन को असफल करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस तैयारी में हैं कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हम महाधिवेशन में असफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी ने कांग्रेस के जिन पदाधिकारियों के यहां छापा डाला है वे सभी महाधिवेशन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हैं। रामगोपाल अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, जिनका काम पार्टी के कोष देखना है। गिरीश देवांगन को प्रदेश प्रभारी ने महाधिवेशन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी इसी काम से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा रमन सिंह जो 15 साल में नहीं कर पाए वह कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल में कर दिया है। इस सरकार ने जनता का दिल जीता है, इससे भाजपा खासकर रमन बेचैन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 150 सालों से प्रत्येक 10 साल पर यह जनगणना होती रही है, इससे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव संबंधी आंकड़ों की जानकारी होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण भी किया गया था। इसी के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्रों का चयन किया गया। यह सर्वेक्षण केवल 10 सालों के लिए प्रभावी था। पिछले 12 वर्षों में विकास योजना के क्रियान्वयन और सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए वह आंकड़ा अब प्रासंगिक भी नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि उचित होगा कि जनगणना के साथ ही वंचित एवं पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण अतिशीघ्र शुरू किया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए राजधानी रायपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। महाधिवेशन के अंतिम दिनों होने वाली जनसभा में 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य तय हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में पब्लिक मीटिंग कमेटी की बैठक हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि महाधिवेशन के बाद होने वाली आम सभा को लेकर एक बैठक हुई है। इसमें सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में बैठक लें, कोशिश करें कि अपने अपने जिलों से अधिक कार्यकर्ताओं को आम सभा में लाया जाए। करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। महाधिवेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर ताम्रध्वज साहू ने बताया कि महाधिवेशन में देश भर से कई VVIP आएंगे, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षा के लिहाज से बड़े स्तर पर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। IG, DIG से लेकर SP, एडिशनल SP, DSP स्तर के अधिकारी भी महाधिवेशन की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 26 की जो आम सभा है, जिसको हमारे राष्ट्रीय नेतागण पहली बार, ये छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि महाधिवेशन यहाँ हो रहा है और आम सभा भी होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और भी वरिष्ठ नेतागण संबोधित करेंगे कि जो प्रोटेक्टिव हैं, जिनका जैसा श्रेणी है उनके हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत के मस्जिद दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोगड़िया ने कहा है कि सरसंघ चालक धर्म धुरंधर हैं, वे जो चाहे करें। प्रवीण तोगड़िया अपने संगठन के प्रमुख के कार्यक्रम में शामिल होने रविवार को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश के करोड़ों परिवारों से मुलाकात करने का अभियान उन्होंने शुरू किया है। इस दौरान वह हिंदू परिवारों से मिल रहे हैं, उनका कुशल जान रहे हैं, गरीब परिवारों की समस्याएं सुन रहे हैं और संगठन स्तर पर उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया ने बढ़ती जनसंख्या को एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो भारत आने वाले दिनों में सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या की समस्या को प्रवीण तोगड़िया ने टाइम बम की तरह बताया, जो फटेगा तो सिविल वॉर जैसे हालात पैदा होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक है, उनको क्या करना उनका अधिकार है। और हम 40 साल तक साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते थे, पर मैं इतना कहूंगा कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कभी मस्जिद जाएगा नहीं, सर कट गया तो भी और ताकत चलेगी तो उनको मैं शिव मंदिर में लाऊंगा, मेरा वादा है। उन्होंने क्या किया, वह परम पूजनीय धर्म धुरंधर सरसंघ चालक जी है। भारत में सभी ट्राइबल शेड्यूल कास्ट और बाकी सभी भी हिंदू ही है। मुगलों की तलवार के सामने जिनके पुरखों ने घुटना टेक कर इस्लाम नहीं स्वीकारा, वह सभी हिंदू है। ये प्रवीण तोगड़िया की सादी व्याख्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।